राइट नाउ दिस इज नेक्स्ट डे एंड अभी हम ब्रश कर रहे हैं, ब्रश करने के बाद में हम पार्टी करेंगे, दूध पिएंगे। सो अभी हम ब्रश वगैरह सभी करके आए थे, उसके बाद में हमने बैठ के तरबूज खाया, और तरबूज खाने के बाद में हमने देखा कि हमारे रूम के अंदर क्या कि पार्टीशन कर रखा है, तो एक तरफ है दीदी का रूम और एक तरफ है हमारा मतलब आयुष का रूम और आयुष के रूम में मैं भी ठहरा हूँ। तो पहले मैं आपको दिखाता हूँ ये दीदी का रूम, मतलब एकदम क्लीन, सुबह उठते ही एकदम बेड अपना क्लीन कर देना, टेबल बिल्कुल ऑर्गेनाइज रखना, फिर आता है हमारा रूम। We are very busy people, you know, guys. We have many works to do. दो मैं चार लैपटॉप और यहाँ पे पड़े हैं मेरे जींस भी पड़ी है, यहाँ पे मेरी डायरी पड़ी है, मतलब बिल्कुल आयुष क्या कल रात से लगा हुआ था काम करने का, बहुत ज्यादा काम है तो ये देखो मतलब रात से लगा हुआ बुरी तरीके से। वैसे क्या कर क्या कह रहा है तुम इस वाले में, क्या कर रहे इस वाले में? मेरे को इसका लॉक से बहुत पसंद आता है, जब इसको देखता रहता। अच्छा अच्छा, ओ तेरी, इसका 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 ये नया लैपटॉप है, मैं कुछ एक्सपीरियंस कर रहा हूं। ओ तेरी, अच्छा ये मेरा पुराना लैपटॉप है, मैं और वो सबसे नया है, वो नया लैपटॉप है, वो फटाफट ले जाता। मतलब कितना बिजीनेस है ना, मतलब सही में यार हम रहने दे दो। चार लाख के बीच में ये बैठा है गुस्सा, ये फ्री का इंसान, ये खड़ा हो तू यहाँ से, यहाँ पे बैठेंगे मेरे जैसे लोग, यहाँ पे हमारे जैसे लोग ही खड़े। अब इस बात पे हम कुछ नहीं बोलेंगे, अगर बोलना भी मेरी बिजनेस हो जाएगी कुछ बोलने की बात के लिए। सो अभी का माहौल कुछ इस प्रकार है कि अभी हम अंकल जी के साथ में जा रहे हैं खेत की ट्रिप पे, तो खेत की ट्रिप पे हम जाएंगे हमारी होंडा PCD 100, क्या लेजेंडरी बाइक है, तो आयुष और मैंने इसको चूज़ किया है, और बाकी अंकल जी बोल रहे थे कि तुम जाओ भी लेके जा सकते हो, बट वी प्रेफर विंटेज बाइक्स, पुरानी बाइक मज़ा आएगा होंडा को चलाने में, क्योंकि नई गाड़ी तो आप कभी चला सकते हैं बट ऐसी लेजेंडरी बाइक आपको नहीं मिलेगी कहीं पर देखने के लिए। सो अभी जस्ट आयुष चेंज कर रहा है, और जैसे वो चेंज करके आता है उसके बाद में हम निकल लेंगे यहाँ से और देख के आते हैं खेत हरियाणा में, मज़ा आएगा। अरे मास्क लगा के वैसे देख सकते हो आप आगे, 50,000 का नंबर, ओ ये तो भूल ही गया मैं, मतलब कि मैं बता रहा हूँ हम जाएंगे VIP नंबर पे सवार होकर, हमारी बाइक का नंबर है 444666 है हमारी बाइक का नंबर, क्वाड सिक्स है हमारी बाइक का नंबर, और इस पे सवार होके जाएंगे हम। अंकल जी दे जाने वाले हैं जवाब पे, और भाई साहब हम जाएंगे इस पे CD 100 आ जाएगा, और फिर ये हमारा स्पीडोमीटर यहाँ पे, तो दादी जी भी कह रहे हैं कि भाई फोटोग्राफर तो नहीं रहते हूँ। जावा लगती है भाई साइड स्टैंड पर शानदार, दोनों ड्राइवर्स अपनी अपनी बाइक की चिंता कर रहे हैं। सफर शुरू हो गया, अभी हमारा सफर हो चुका है, हम चला रहे हैं होंडा C100 और आगे जा रही है हमारे जावा। नई बाइक तो आप कभी भी चला सकते हैं ना, ये बाइक थोड़ी ना मिलेगी, अब 15 साल पहले जो माल मिला था वो 2021 में कैसे लोगे आप भाई, तो बात है तो इसी में फन है, इसीलिए हम ये चला रहे हैं। हमारी जावा और ये हमारी होंडा, और एंड होंडा इज लाइक फायर। इस तरफ नहर है जो आपको शायद सही से दिख नहीं पा रही होगी, हमें पता है ना नहर है। अरे भाई साहब ये सारे सिनेमैटिक खराब कर दिए, साथ में गड्ढे दिला रहे हैं ये रास्ते में। वीडियो में स्टेबलाइजेशन नहीं हुई ना, तुम ये नहीं कर देंगे हम तुम्हारे, करोगे भाई खड्डे में, तुमको डालो बाइक को। अभी तो अपने हमारे पास में जो नहर है वो खाली है, तो जिस टाइम में पानी छोड़ देना तब तो सोचिए कि आप यहाँ से क्या व्यू होगा, यहाँ पर पानी बह रहा होता है।
तो सामने जो आपको घर दिख रहे हैं ना, वहाँ पे अपना खेत हो और वहीं पे घर भी है। यहाँ पे अनाज वनाज डाल लें कभी अगर दादाजी का इच्छा था उस समय कि वो खेत में रहें, तो उन्होंने अपने लिए घर बना लिया छोटा सा। अभी मेरे अंकल के घर जा रहे हैं, वो अंकल हमारे दादी जी की बहन के बेटे हैं, तो चलो उनके पास उनके पास चाचा जी वैसे मेरे वो अंकल ही बोल। ये शहरों के बच्चे हैं, चाचा जी क्यों नहीं बोलते भाई? क्योंकि स्टार्टिंग से सिखाया है, मैं अंकल ही था। चाचा जी में यार फील आती है, बट सिखाया नहीं ना भाई पहले, और अब फिर ऐसे चेंज नहीं होता। छोटी सी हरियाली और ये सिल। चेक कर रहा है अभी, ये हमें चेकआउट कर रहा है अभी डोगी। यार इसने मुझे चेकआउट नहीं किया, ये आयुष के पास गया सिर्फ। सो राइट नाउ दिस इज द मोमेंट एंड वी आर स्टैंडिंग ओवर हियर नेक्स्ट टू आवर हीरो होंडा सीडी 100 एसएस। अभी अंकल जी बैठे हैं वहाँ पे, यहाँ पे जो रहते हैं उनसे बातें कर रहे हैं, और आ गया वहाँ पे वो छरी है, बच्चे खेल रहे हैं, आ रहे हैं, अभी एक्साइटेड हो रखे हैं। तो बाकी इधर आयुष है, उधर सनसेट हो रहा है, ट्रैक्टर खड़ा है, यहाँ पे दीदी बैठे हैं और पूरी ने जवा लूट लिए। मुझे नहीं चाहिए एक ही बाइक, अब तक दो बाइक बदली गई हैं, दोनों कुछ ला रहे हैं। हाँ देखो वहाँ चल रही है लर्निंग, अब लेंगे हम जावा कॉफी। और अब चौधरी ने जावा भाई चालू कर दे एक बार है, जावा चलाते हुए जावा में भी फील है यार, मतलब कि बुलेट थोड़ा सा हैवी लगता है उसको चलाते हैं तब। हाँ ये कंफर्टेबल है, अच्छा है इसका। सो अभी फाइनली हम आ चुके हैं कुएं पे, और कुएं पे यहाँ पे लग रहा है मुझे काफ़ी टाइम से अनयूज्ड हमारी नोजलें रखी हैं। यहाँ पे ये अमरूद का पेड़ है, और यहाँ पे है, यहाँ पे पीछे की तरफ है ट्यूबवेल, पिंक वाले अमरूद। अच्छा वो उन अमरूद का जो पिंक वाले अमरूद होते हैं उनका टेस्ट मीठे ज़्यादा होते हैं और खाने में सॉफ्ट भी ज़्यादा होते हैं वो। और वहाँ से पीछे है नींबू का पेड़, तो नींबू के पेड़ से दीदी नींबू तोड़ रहे हैं अभी। ये तो वो बड़े वाले नींबू होंगे ना? हाँ बड़े वाले। अच्छा तो हम खड़े हैं यहाँ पे, कहाँ पे? ये जो हमारा ब्रिज है ना, इस ब्रिज के खड़े हैं, सेंटर में खड़ा हूँ मैं तो अभी। आज तो भाग गया पीछे, और पीछे नहर है पूरी पूरी, तो अभी पानी आ नहीं रहा है। अगर पानी आ रहा होता ना तो वैसे हरे कलर का पानी आता, वो लगता तो देखने में ऐसा गंदा है, पर वो खेती के लिए काम में लेते हैं। तो सीन खतरनाक होता है कि नीचे से पानी बहता हुआ और यहाँ पे नहर पे खड़ा हुआ अभी ऊपर। अच्छा लगता है यार, काफ़ी सूदनी है, और यहाँ पे बुक पढ़ने में भी एक अलग ही फील आती कि यहाँ पे पैर लटका के बैठे, नीचे से पानी बह रहा है और फिर ऊपर ये छत इन पेड़ों की, और मस्त आराम से किताबें पढ़ रहे हैं, तो मज़ा आता है यार। काफ़ी सूदनी है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। अगर आप नेचर के पास में रहोगे ना तो सही में हैप्पीनेस अपने आप आपके अंदर आ जाएगी, पॉजिटिविटी, हैप्पीनेस, एक काम माइंड, फिर धीरे धीरे अपने आप ग्रो करने लग जाएंगे। दिन ढल रहा है पर सफ़र ख़त्म नहीं हो रहा हमारा। हाँ अभी हम कैमरे की क्वालिटी ख़राब हो गई क्योंकि लाइट नहीं है, पर दिन ख़त्म नहीं हो रहा हमारा, मच्छर भी जा रहे हैं आप। और वो देख सकते हो आप क्या चांद लग रहा है, दिख नहीं रहा इतना अच्छा जितना लग रहा है वो, पर दिख नहीं पा रहा है यार, वो फील नहीं आ पा रहा चांद में, मतलब बहुत ही शानदार लग रहा है आज। बहुत बहुत मैंने फर्स्ट टाइम देखा इतना बड़ा चांद। बताओ प्रियांशु को हमने क्या दिखा दिया आज, कहाँ जिसके 700 सब्सक्राइबर उसने चांद नहीं दिखाया आज तक भाई। तो अभी हो चुका है बहुत ज़्यादा अंधेरा, और अभी आपको कुछ दिख नहीं रहा होगा हमारी हेडलाइट से, बस थोड़ी बहुत चीज़ें दिख रही होंगी। तो अभी हम घर वापस जा रहे हैं। यस ये बाइकों का छोटा गैरेज, एक तरफ पापा जी, एक तरफ प्रियांशु, अपनी अपनी बाइकें पार्क करते हुए। और ये राइड ओवर आज की।